अपमान मानते हुए आपके साथ में शोषण किया जा रहा है। करके आप लोगों से विनंती है, कुछ लोग सोच रहे होंगे तो बिरसा मुंडा की जयंती है तो इस बात की क्या आवश्यकता है। नहीं मेरे भाई, अगर इस देश के अंदर अगर हमें सम्मान पूर्वक जीना है तो हमारे सामाजिक ताकत के साथ साथ में राज्य की ताकत को भी मजबूत करना पड़ेगा, तब जाके हम सम्मान पूर्वक इस भूमि में जी सकते। करके हम ये बात बता रहे आपको, करके जानकारी आपको दे, करके हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा। वो दारू और चिकन और मटन में बिकना नहीं है, 10 और 20 रुपए में बिकना नहीं है। अब जो दारू ले रहे, जो मटन ले रहे नेता से, जो पैसा ले रहे मेरे भाई, आप सौदा कर रहे हैं, आपका आपका स्वाभिमान का सौदा कर रहे, हमारे माता बहनों के सौदा कर रहे, हमारे आने वाले नस्लों के सौदा कर रहे। हमें किसी नेता से साड़ी नहीं चाहिए, किसी नेता से कपड़े नहीं चाहिए, किराना नहीं चाहिए। अरे हम इतना भी गरीब नहीं है किनके एहसानों तले हम बिक जाए। अरे जब हमारे समाज में हमारे माता और बहनों बहनों की जब शादी होती है, अरे हम तो 2-2, 3-3, 5-5 हजार की साड़ियां लेते हैं, और यहाँ के नेता चुनाव के वक्त में हमें 50-50 रुपए की साड़ी में लाइन में खड़ा कर देते। और जब शादी जुड़ता है समाज के अंदर, हम तो लड़का वाले को डायरेक्ट मना कर देते हैं कि अच्छी क्वालिटी की साड़ी ला के देंगे तो हम तो जरूर शादी करेंगे, नहीं तो नहीं, शादी टूट जाता। और हम आप बिक रहे हैं इनके, करके बोलना पड़ेगा आपको। चाहे नेता हम बने हैं, हमारे 20 में से कोई भी बने हैं, कोई भी व्यक्ति बने, आपको बोलना पड़ेगा साड़ी नहीं चाहिए हमें, कपड़े नहीं चाहिए, किराना नहीं चाहिए, दारू नहीं चाहिए, मटन नहीं चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, जल जंगल जमीन का अधिकार चाहिए, और सम्मान पूर्वक इस भूमि में हमारा नेतृत्व होना चाहिए, बोलना पड़ेगा। और बहुत खास बात बताना चाहता हूं आपको, इस क्षेत्र में बड़े धूमधाम के साथ तापी का मुद्दा गूंजता है। जब जब भी चुनाव होता है, जब मध्य प्रदेश का खंडवा और नेपा नगर की चुनाव होता है तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि हम तापी डैम बनाएंगे। मध्य प्रदेश का एक और नेता है अर्चना चिटानिस, वो भी कहता है कि तापी डैम बनाएंगे। कुछ दिन पहले हमारे इस राज्य के जो कुछ लोग उनको मानते हैं सम्माननीय